जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि घर की स्त्रियां लक्ष्मी होती है। जिस घर में रहन सहन के संस्कार हो, उस घर में हमेशा ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। सुनिएगा, इस उपाय को करने के बाद आपको कभी भी किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। तो जो उन्होंने उपाय बताया वो मैं आपको बताती हूँ। अगर घर में वास्तु दोष आ जाए तो घर के सारे काम बिगड़ने लगते हैं, साथ ही साथ पैसों की किल्लत हमेशा आगे की ओर बढ़ने लगती है। पैसे आते हैं पर कहाँ खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। इसलिए हमें अपने घर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, हर वो काम करना चाहिए जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके घर के मुख्य दरवाजे की, क्योंकि इसी से हम घर के अंदर और बाहर की ओर आते जाते हैं, बल्कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी यहीं से अंदर आती और जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताती हूँ। घर के मेन गेट के सामने कोई भी पेड़ या खंभा नहीं होना चाहिए, इसकी छाया आपके घर पर अशुभ प्रभाव डालती है। अगर किराए के घर में आप रहते हैं तो तुरंत ही अपने घर को बदल सकते हैं तो बदल दीजिए, या फिर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि हमेशा ही बनाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अशुभ प्रभाव नहीं डालती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए या कम करने के लिए आपके घर के आसपास या घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। और इस चीज का ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा सूखे ना। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बना रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि घर का मुख्य दरवाजा कौन सी दिशा में होना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आपका घर साउथ कॉर्नर में है तो आपके घर का मुख्य दरवाजा हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो घर का मेन गेट दक्षिण दिशा में हो तो आपको तुरंत ही घर बदल लेना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो घर के द्वार पर पंचमुखी बालाजी का फोटो आप जरूर लगा दीजिए। और ध्यान दें कि घर का मुख्य दरवाजा दो पल्लों में खुलना चाहिए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। घर का मुख्य दरवाजा अंदर की ओर खुलना चाहिए। अगर आपके घर का मेन गेट बाहर की ओर खुलता है तो सुख समृद्धि भी बाहर की ओर चली जाती है। अगर आप घर में कोई भी चीज उपयोग में नहीं लेते हैं तो तुरंत ही उसे घर से हटा दीजिए। पुराना झाड़ू, कबाड़ा, पुरानी जो जूते चप्पल है उन सभी को हटा दीजिए। स्पेशली अमावस्या के दिन ये काम आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में नई चीजों का आगमन होता है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। वो बात ये है कि पानी जो है आपके घर का, वो कभी भी बहना नहीं चाहिए। यानी कि पानी या नल की टोटी कहीं से लीक हो रही है तो उसे तुरंत ही ठीक करवा लीजिए, क्योंकि ऐसे घर में पानी की तरह पैसा भी बह जाता है। किचन का सिंक हो या बाथरूम का नल हो, बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर में वास कर सके। जिसको करने से कभी भी धन की कमी आपको नहीं होगी, बुरा वक्त आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा, किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े, उसके लिए उपाय बताऊंगी अभी मैं आपको। आप देखेंगे कि आपके घर में हफ्ते भर के अंदर ही सारी मुसीबतें दूर की ओर भागने लगेगी। आपके घर में धन का आगमन के रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। आपका कर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अब आपको करना क्या है वो मैं बताती हूँ। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर डोरमेट या पायदान जरूर होना चाहिए। ये आपकी हर प्रकार के वास्तु दोष की समस्या का समाधान है। दोस्तों, कई लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डोरमेट नहीं रखते हैं, लेकिन ये गलत है। पायदान हमेशा ही चौकोर लेकर आए, ये शुभ माना गया है। कुछ लोग बहुत साल तक एक ही पायदान यूज करते हैं, यानी कि डोरमेट चेंज नहीं करते हैं। ऐसा ना करें। घर के पायदान को दरिद्रता का प्रतीक बनाकर ना रखें, उसे समय समय पर चेंज कर दें।
अब उपाय क्या करना है वो सुन लीजिए। घर के मुख्य पायदान जो होता है उसके नीचे आपको रखना है फिट करी का पाउडर या फिर एक छोटा सा टुकड़ा जरूर रखें। इसको रखने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। अब ये रखना कैसे है, करना कैसे है वो भी सुन लीजिए। बाजार से 50 ग्राम फिट करी आप लेकर आए, उसे लाकर आप पीस लें, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। फिर किसी सफेद या सूती कपड़े में आप उसे बांध लें और पायदान के एकदम बीचों बीच इसे रखना है। और ज्यादा मोटी पोटली आप ना बनाएं, बिल्कुल पतली सी जो है एक लेयर टाइप की आपको पोटली बना लेनी है और उसे कवर करके यानी कि पायदान के नीचे बिल्कुल बीचों बीच रख देना है। और रोज सफाई करते समय हटाकर फिर से आप वापस वही रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा, यानी कि जैसे ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी आपके घर में ही वे टिक जाएंगी, वहीं रुक जाएंगी, अपना स्थान बना लेगी, आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। और आप चाहे तो एक फिटकरी का टुकड़ा अपने बाथरूम में भी कपड़े में बांधकर या फिर कटोरी में करके रख सकते हैं। और आप इस चीज का ध्यान रखें कि हर महीने उसे बदल दें, उसकी जगह दूसरी रख दें, यानी कि बाथरूम में मुख्य दरवाजे पर तो आपको पायदान के नीचे रखना ही है, उसे भी आप हर महीने बदल दें। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो पलंग के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा आप जरूर रखें और सुबह उठकर गुरु मंत्र या ईष्ट देव का नाम का उच्चारण करते हुए इस फिटकरी के टुकड़े को रोड पर फेंक दीजिए। फिर आप देखिए दोस्तों कि आपके घर में किस तरह से शांति वापस लौट कर आ जाएगी, लड़ाई झगड़े बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप सभी रोज रात को फिटकरी से अपने दांतों को जरूर साफ किया कीजिए दोस्तों। इससे भी आपके घर में धन की हमेशा ही वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति के मार्ग हमेशा खुले रहेंगे, कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवरात्रि के दिनों में फिटकरी के जल से स्नान करने से आपके घर के सारे कर्ज उतर जाएंगे, कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाएगी, धन व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपके बच्चे को रात में बुरे बुरे सपने आते हैं तो एक फिटकरी का टुकड़ा आप उसके तकिए के नीचे जरूर रखें, इससे भी उसे बुरे सपनों से डर नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा प्रभाव है। गुरुजी ने स्वयं बताया है, इन उपायों को आप जरूर करें, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि बागेश्वर धाम की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे। पास वाला बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मार्गदर्शन पसंद आया है तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।